नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश प्रयास पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही लगन से कर रहे होंगे। आज हम पंचवर्षीय योजना वाले टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और यह है पार्ट टू। और अगर कोई पार्ट वन नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट वन को देख ले, तब पार्ट टू को देखें। क्लियर? तो चलिए, पहले पार्ट में हम तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक किए थे। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला ये आप लोगों को पता है। क्लियर है? और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग द्वारा एक वर्षीय योजना प्रारंभ की गई और तीन वर्षों के लिए प्रथम योजना अवकाश प्रारंभ हुआ। कितने वर्षों के लिए भाई? तीन वर्षों के लिए। तो हम लोग कहेंगे प्रथम योजना अवकाश। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को पूछता है प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक, तो 1966 से 69 ईस्वी तक। क्लियर है? तो प्रथम योजना अवकाश कितने वर्षों के लिए? आंसर होगा तीन वर्षों के लिए। क्लियर? तो प्रथम योजना अवकाश जो है वो कब से कब लिया गया? तो 66 से 69। और आप लोग को पता ही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना मानी जाती है और उसके बाद से सरकार ने कुछ दिन के लिए पंचवर्षीय योजना को स्थगित करके एक वर्षीय योजना प्रारंभ किया और उसी को हम लोग कहते हैं योजना अवकाश। तो प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक भाई? आप लोग से अगर पूछे आंसर क्या होगा, 1966 से 69 तक। क्लियर है? आइए इस योजना अवकाश का जो प्राथमिकता है, प्राथमिकता योजना अवकाश के दौरान प्राथमिकता किस चीज को दिया गया, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। तो याद रखिएगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये जो है प्रथम योजना अवकाश की प्राथमिकता थी। तो प्रथम योजना अवकाश में क्या प्राथमिकता रखी गई? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। क्योंकि आप लोग देखे थे कि 1965 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उसके बाद सरकार या फिर योजना बनाने वाले जो मुख्य लोग हैं उन लोगों को लगा कि नहीं, कृषि के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और यही लक्ष्य रखा गया प्रथम योजना अवकाश का। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है विशेष के दौरान, इस योजना अवकाश के कुछ महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है 1966-67 में हरित क्रांति प्रारंभ करना, हरित क्रांति का प्रारंभ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरित क्रांति का प्रारंभ कब से कब तक? 1966 से 67 में। तो भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ किया गया, अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछे और कई बार पूछा जा चुका है, क्या बोलेंगे आप लोग? 1966 से 67। क्लियर? तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई, यह क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। इस क्रांति का लक्ष्य क्या है? तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का लक्ष्य है। क्लियर? किस क्रांति का भाई? हरित क्रांति का लक्ष्य है। अब याद रखना है आप लोग को कि हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, और अगर पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक। क्लियर है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक
किसको कहा गया है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, क्लियर है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा गया है? आप लोग का आंसर क्या होगा? नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर आप लोग से पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति जो प्रारंभ हुआ वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग बोलेंगे नहीं, ये पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं, ये योजना अवकाश के दौरान प्रारंभ किया गया। क्लियर है भाई? तो चलिए ये, और योजना अवकाश के दौरान एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मुद्रा का अवमूल्यन। याद रखिएगा आप लोग, प्रथम योजना अवकाश के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी है और वह घटना है मुद्रा का अवमूल्यन। किसका अवमूल्यन भाई? मुद्रा का अवमूल्यन। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, जून 1966 में आरबीआई द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। तो जून 1966 में आरबीआई द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, यह क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ सकता है। अगला एक क्वेश्चन है कि भारत में आज तक कितने बार मुद्रा अवमूल्यन? तो याद रखिएगा, आज तक भारत में 3 बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया है। कितने बार भाई? 3 बार। क्लियर? तो आज तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। फर्स्ट कब? याद रखिएगा, फर्स्ट, पहला कब किया गया मुद्रा का अवमूल्यन? ये क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे तो आंसर देंगे सितंबर 1949। तो पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन, दूसरी बार तो आप लोग को पता ही चल रहा है जून 1966। कब भाई बताइए, दूसरी बार कब हुआ? जून 1966। किसके दौरान? तो योजना अवकाश के दौरान। क्लियर है? आइए तीसरी बार कब हुआ? तो जुलाई 1991। ये क्वेश्चन भी अब आप लोग को याद रखना है कि आज तक भारत में मुद्रा अवमूल्यन कितने बार किया गया है? आंसर होगा 3 बार। फर्स्ट कब भाई? तो फर्स्ट होगा सितंबर 1949, सेकंड जून 1966, और थर्ड जुलाई 1991। तो अब आप लोग के मन में आ रहा होगा प्रश्न कि मुद्रा अवमूल्यन किसको कहते हैं? तो जानबूझकर किसी मुद्रा की तुलना में या किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का वैल्यू कम करना को ही अवमूल्यन कहते हैं। किसी दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा की वैल्यू को कम करना ही मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। जैसे मान लीजिए $1 बराबर है अगर 60 रुपया, कितना रुपया? 60 रुपया। अब अगर अवमूल्यन करके हम कर दें $1 बराबर 70 रुपया, तो पहले क्या वैल्यू था? 60 रुपया, अब क्या वैल्यू हो गया? 70 रुपया। तो मुद्रा का महत्व, मुद्रा का वैल्यू कम किया गया जानबूझकर, तो इसी को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। अब अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछ दे मुद्रा अवमूल्यन क्यों किया जाता है, मुद्रा अवमूल्यन का कारण क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए क्यों किया जाता है मुद्रा का अवमूल्यन? क्यों? अगर पूछे क्यों, तो आंसर होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए। ये एक्चुअली इकोनॉमी है भाई,
यहां हमेशा कुछ ना कुछ टर्म्स यूज होते हैं और वो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आप बताइए, मुद्रावमूल्यन समझे, जानबूझकर अपने देश की मुद्रा के वैल्यू को विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देना मुद्रावमूल्यन है। भारत में कितने बार ऐसा किया गया है? 3 बार किया गया है। अब ये क्यों किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित करने के लिए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो जब आयात ज्यादा हो जाए निर्यात से, आयात ज्यादा हो निर्यात से, तो वैसी स्थिति को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो प्रतिकूल है। कैसा है? प्रतिकूल है। और इस प्रतिकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। क्या भाई ये बात समझे आप लोग? क्लियर है? अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुद्रा के वैल्यू को कम करने से क्या फायदा होता है। तो समझिए, अगर ये मार्कर है और अमेरिका में इसकी वैल्यू $1 है तो रुपए में कितना हुआ? 60 रुपया। अब अगर मुद्रा का अवमूल्यन हम कर दें तो इस मार्कर की कीमत जो $1 था अब उसका वैल्यू कितना हो गया? 70 रुपया। अब आप बताइए कि ये मार्कर महंगा हुआ कि सस्ता? तो महंगा हो गया। और जब महंगा हो गया तो स्वाभाविक है हम उसको नहीं खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे तो आयात क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? आयात क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान रखना है, आयात को हतोत्साहित किया जाता है मुद्रा अवमूल्यन द्वारा। मुद्रा अवमूल्यन द्वारा आयात को क्या किया जाता है? कम किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित पूछेगा मुद्रा अवमूल्यन में किसको हतोत्साहित करते हैं? आंसर क्या होगा? आयात को। और किसको प्रोत्साहित करते हैं? आंसर होगा निर्यात को। किसको भाई? निर्यात को। क्लियर है? तो मुद्रा अवमूल्यन के बारे में कुछ तो हम आप लोग को यहां समझाने का प्रयास किए हैं। आगे कभी हम लोग इसको और अच्छे से करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए, ये हुआ हमारा योजना अवकाश। अब हम लोग करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर उसी तरह हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि किसी भी पंचवर्षीय योजना को कितने पॉइंट के आधार पर अध्ययन करेंगे, तो हम लोग कहे थे 4। तो उसी तरह से चौथी पंचवर्षीय योजना को भी हम लोग कितने आधार पर देखेंगे? 4 आधार पर। तो आइए, फर्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पहला तो हो जाएगा कार्यकाल। भाई आप लोग बताइए चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या होगा? तो 1969 से 74। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर पूछे आप लोग से, क्या बोलेंगे? 1969 से 74। आइए, अगर आप लोग से पूछे किस मॉडल पर आधारित था चौथी पंचवर्षीय योजना, तो आप लोग का आंसर होगा अशोक रुद्र मॉडल। अशोक रुद्र मॉडल। किस मॉडल पर भाई? अशोक रुद्र मॉडल। क्लियर है? तो किस मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? आंसर क्या होगा? अशोक रुद्र मॉडल। इसको गाडगिल मॉडल भी कहते हैं, गाडगिल मॉडल भी कहते हैं। कौन मॉडल भाई? गाडगिल मॉडल। या फिर एक नाम और है LNS मननो, LNS मननो मॉडल भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है अशोक रुद्र मॉडल। तो चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल। तीसरा है प्राथमिकता। तीसरा क्या है भाई? प्राथमिकता।
हम उस दिन भी आप लोग को बताए थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? प्राथमिकता। पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है मेरे भाषा में, और वह है प्राथमिकता। हर पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता को एक जगह आप लोग एक टैली बना लीजिए नोट्स में, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, संभावना है वहीं से आपका काम बन जाए। तो चलिए देखते हैं प्राथमिकता क्या है। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्राथमिकता क्या है भाई? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। क्लियर है? अब आइए विशेष, इस योजना के दौरान विशेष क्या हुआ? एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है और आप लोग को यह पता है, आप लोग अक्सर इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है 19 जुलाई 1969 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन पूछेगा बड़ा बैंक किसको कहेंगे? तो 50 करोड़ से ज्यादा जमा पूंजी वाले बैंक। तो किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 50 करोड़ से ज्यादा जमा पूंजी वाले बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उस समय ऐसे कितने बैंक थे? 14। अब है राष्ट्रीयकरण किसको कहते हैं भाई? तो निजी बैंक की जिम्मेवारी सरकार अपने हाथ में ले ले, तो इसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन पूछे क्या आंसर देंगे? 19 जुलाई 1969। क्लियर है? कितने करोड़ से ज्यादा जमा पूंजी वाले बैंकों का? तो 50 करोड़ से ज्यादा जमा पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? आंसर क्या देंगे आप लोग? चौथी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, एमआरटीपी एक्ट। कौन एक्ट भाई? एमआरटीपी एक्ट 1969 में लागू किया गया। एमआरटीपी एक्ट कब लागू किया गया? 1969 में। और ध्यान रखना है इसका नाम बदल दिया गया था, आगे चलकर नाम हो गया था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। तो इस एमआरटीपी एक्ट का नाम बदलकर क्या किया गया था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम। कब भाई? तो 2002। क्लियर है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान घटने वाली ये घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग को कोई दिक्कत? तो चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना की है। अब अगला हम लोग करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट देखेंगे काल, इसका कार्यकाल तो आप लोग को पता है भाई, अभी तो योजना अवकाश हुआ नहीं है, तो कार्यकाल क्या होगा आप ही लोग बताइए, कार्यकाल क्या होगा? 1974 से 1979। ध्यान रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक? 1974 से 1979। लेकिन याद रखना है कि ये 79 में समाप्त नहीं हुआ, ये 78 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से पांचवी कब से कब तक भाई? 1974 से 78। क्लियर होना चाहिए कब तक?
1979 तक, लेकिन चला कब तक? 1978 तक। इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं आप लोग? इसका अर्थ ये निकल रहा है, एक सेकंड भाई, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि योजना जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये समय से पहले समाप्त कर दिया गया। ये समय से क्या किया गया? पहले समाप्त कर दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार जो है वो समाप्त हो गई, उसकी कहानी खत्म हो गई और उसके जगह पर नई सरकार आई और उस नई सरकार की पार्टी जो है वो थी जनता पार्टी की सरकार। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और नई सरकार आई जनता पार्टी की सरकार, और उसने पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया। तो जनता पार्टी की सरकार कब आई? जनता पार्टी की सरकार कब आई? 1977। और पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा पार्टी देश में सरकार बना रही है, क्लियर है? तो जनता पार्टी की सरकार जो है वो पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया। एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटी योजना, याद रखिएगा, सबसे छोटी योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना कौन है? पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये चार वर्ष का ही कार्यकाल पूरा किया, क्लियर है? अब आइए मॉडल, किस मॉडल पर आधारित है भाई, किस मॉडल पर आधारित है पांचवी पंचवर्षीय योजना? आंसर देंगे हम लोग डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल किस मॉडल पर भाई? डीपी धर मॉडल पर, क्लियर है? अब आइए प्राथमिकता, प्राथमिकता तो रखिएगा याद, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, किसके उन्मूलन? गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है? गरीबी उन्मूलन पर बल। किस पर बल भाई? गरीबी उन्मूलन पर बल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आइए विशेष, विशेष क्या कार्य किया गया? तो सबसे पहला काम 1975 में, 1975 में गरीबी हटाओ का नारा, 1975 में गरीबी हटाओ का नारा, क्लियर है? किनके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। तो इस घटना, इस पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? 1975 में इंदिरा जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों को एग्जाम में भाई आया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? आंसर क्या देंगे हम लोग? पांचवी पंचवर्षीय योजना, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। कब भाई? 1975, क्लियर है? अगला देखिए, 1975 में ही बीस सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आप लोगों को, बीस सूत्री कार्यक्रम, गरीबी दूर करने के लिए, विकास के लिए 20 कार्यक्रम तय किए गए, इसी को कहते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। तो 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्लियर है भाई? आइए अगला है, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? यही क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान?
तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है? अब है यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, किस समिति की अनुशंसा पर? नरसिंहम समिति की अनुशंसा पर। नरसिंहम समिति की अनुशंसा पर, नरसिम्हन, नरसिम्हन कर दीजिए, नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई है? नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर। क्लियर है? तो ये अब आप लोग को याद रखना है। ये हम पढ़ाए पांचवी पंचवर्षीय योजना, अब हम लोग देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए तो देखते हैं अब छठी पंचवर्षीय योजना। कौन पंचवर्षीय योजना भाई? छठी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहला बात कि छठी पंचवर्षीय योजना चलना कब से कब तक चाहिए? 1978 से 83 तक। और ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में इसको तैयार कौन किया? प्रारंभ में तैयार किया जनता पार्टी की सरकार। किसने भाई? जनता पार्टी की सरकार। तो छठी पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ में तैयार किया गया किसके द्वारा? तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा। लेकिन आप लोग को पता है कि 80 में ही जनता पार्टी की सरकार 79 में ही चली गई, और इसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनी इंदिरा जी के नेतृत्व में। क्लियर है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को 1980 में ही समाप्त कर दिया गया, और इसको नाम दिया गया रॉलिंग प्लान। कौन प्लान? रॉलिंग प्लान। हिंदी में कहते हैं इसको अनवरत योजना। क्लियर है? तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार समाप्त होने के बाद 80 में ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया। क्लियर? और नाम क्या दे दिया गया? रॉलिंग प्लान। तो अब आप बताइए कि रॉलिंग प्लान कब से कब तक? 1978 से 80। किसके द्वारा? तो जनता पार्टी द्वारा। किसके द्वारा भाई? जनता पार्टी द्वारा। क्लियर है? तो 1978 से 80 में जो योजना बनी उसको क्या नाम दिया गया? अनवरत योजना। क्लियर है? अनवरत का मतलब होता है कि जो योजना चल रही थी उसको बीच में ही स्थगित कर देना। क्लियर है? तो चलिए इसको ध्यान देते हैं हम। अब है कि यह किस मॉडल पर आधारित था? रॉलिंग प्लान मॉडल। तो गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित, गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित। तो रॉलिंग प्लान योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे क्या बताएंगे? गुन्नार मिर्डल मॉडल। क्लियर है? आइए, भारत में इसका प्रतिपादन किया था, भारत में इसका प्रतिपादन किया गया, भारत में इसका गुन्नार मिर्डल का रॉलिंग प्लान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यह क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आंसर होगा डीटी लकड़ा वाला। डीटी लकड़ा वाला मॉडल। तो भारत में किसके द्वारा? तो डीटी लकड़ा वाला मॉडल। और यह किससे प्रेरित है? गुन्नार मिर्डल मॉडल से। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको कीजिएगा। अब है अनवरत योजना के तहत जो मुख्य कार्य हुआ वह हुआ 15 अगस्त विशेष के अंतर्गत, याद रखना है 15 अगस्त 1979 को। कब भाई? 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम की शुरुआत, ट्राइसेम की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत? ट्राइसेम की शुरुआत की गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ट्राइसेम की शुरुआत। क्लियर है? अब है ये क्या है ट्राइसेम? तो स्वरोजगार हेतु, स्वरोजगार हेतु युवाओं को
प्रशिक्षण देना, ठीक है। ट्राइसेम योजना क्या है भाई, तो स्वरोजगार हेतु युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना। तो ट्राइसेम कब शुरू किया गया, यह क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, 15 अगस्त 1979। किसके दौरान, तो रॉलिंग प्लान के दौरान, क्लियर है। क्या है ट्राइसेम, तो स्वरोजगार हेतु युवाओं को प्रशिक्षण देना, क्लियर है। इस योजना को आगे चलकर 1 अप्रैल 1999, याद रखना है 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। तो इस योजना, ट्राइसेम की कहानी क्या हो गई, समाप्त। तो ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, आगे चलकर इसको किस योजना में मर्ज कर दिया गया और कब मर्ज किया गया, ये क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे बता देंगे। तो बताइए, ट्राइसेम को मर्ज कर दिया गया किस योजना के दौरान, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, कब भाई, 1 अप्रैल 1999। तो यह हुआ हमारा अनवरत योजना। अब आइए, अब करते हैं हम लोग फिर से छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना अब फिर से हम लोग देखते हैं, अब इसका कार्यकाल बताइए आप लोग, तो कार्यकाल होगा 1980 से 85, क्लियर है। और छठी पंचवर्षीय योजना अब जो बनाया गया वो किसके द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि किस योजना को दो बार लागू किया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना दो बार लागू किया गया। तो किस पंचवर्षीय योजना को भाई, छठी पंचवर्षीय योजना को, एक बार किसके द्वारा, जनता पार्टी द्वारा, और एक बार किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा। जनता पार्टी वाले को हम लोग क्या कहने लगे, रॉलिंग प्लान, क्या कहने लगे, रॉलिंग प्लान, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जो है मॉडल क्या था, मॉडल का नाम है आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। और ये मॉडल योजना आयोग द्वारा ही बनाया गया था, किसके द्वारा, तो योजना आयोग द्वारा। और योजना आयोग द्वारा बनाए गए इस मॉडल को नाम क्या दिया गया, आगत निर्गत मॉडल। तो छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, आंसर क्या होगा, आगत निर्गत योजना, क्लियर है। अब आइए प्राथमिकता देखिए, प्राथमिकता इस योजना की क्या है, तो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल। तो छठी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल, क्लियर है। अब आइए विशेष के तहत देखते हैं, विशेष में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विशेष क्या कार्य किए गए, विशेष के अंतर्गत क्या क्या इस योजना के दौरान कार्य किए गए। तो फर्स्ट लिखिए 2 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1980 एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उसका नाम है आईआरडीपी, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी की शुरुआत कब की गई,
2 अक्टूबर 1980 क्लियर है। कब किया गया भाई? 2 अक्टूबर 1980। और ये क्या है? तो गरीबी निवारण कार्यक्रम है, गरीबी निवारण कार्यक्रम। कौन कार्यक्रम? गरीबी निवारण कार्यक्रम भाई। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? आज और पिछले क्लास और एक और पार्ट आएगा, अगर आप तीनों पार्ट को अच्छे से कर लिए तो पूरा भरोसा है मुझे कि आपको फिर पंचवर्षीय योजना से कभी भी कोई भी प्रश्न आए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा जो प्रयास है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है और ऐसा हम करते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि हमको ड्रामा करना नहीं आता है भाई, किसी चीज को बेचना नहीं आता है, प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए ये हमको पता नहीं है। हमारा काम है सिर्फ ईमानदारी से आपको पढ़ाना, बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। रिस्क ये जिम्मेवारी आपकी है कि इस वीडियो को कितना ज्यादा आप शेयर कर पाते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है इस वीडियो को आगे ले जाने का। मेरी जिम्मेवारी है बेहतर कंटेंट देने का, और ये मेरा प्रयास हमेशा रहता है, ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, और ऐसा आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। तो चलिए मित्रों, इसको आगे बढ़ाएं, आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में, तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगा, तभी ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाएगा, तभी ये लोकप्रिय हो पाएगा। क्लियर? तो देखते हैं आगे, ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है भाई? गरीबी निवारण कार्यक्रम है। कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1980। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं, 12 जुलाई 1982। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, 12 जुलाई 1982 कब की बात है? 12 जुलाई 1982। और आप लोग को पता है नाबार्ड की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना, ये सब आप लोग को पता होगा, और नहीं पता होगा तो अभी इतना डिटेल नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये और लंबा जाएगा, आगे हम लोग कभी करेंगे। नाबार्ड की स्थापना, किसकी स्थापना भाई? नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982। अब किस समिति की अनुशंसा पर की गई? शिव रामन समिति की अनुशंसा पर, शिव रामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई 1982। क्लियर है? आइए 15 अप्रैल 1980 15 अप्रैल 1980 छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का भाई? छह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा जिस बैंक की जमा पूंजी थी उसका फिर से एक बार राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 15 अप्रैल 1980 को छह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाई? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं हम लोग, 1 जनवरी 1982 याद रखिएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 1982 आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक की स्थापना, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब भाई? 1 जनवरी 1982। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, गरीबी का निर्धारण,
गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर किया गया, कैलोरी के आधार पर पहली बार गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर किया गया किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो आप लोग का आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है भाई, तो इसको आप लोग को याद रखना है। अब एक और कर लेते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना। लंबा तो खींच रहा है वीडियो भाई, लेकिन इतना कंटेंट है, इतने वर्षों का ये इतिहास है, इसको तुरंत कर देना, तुरंत समाप्त कर देना, इसके साथ न्याय नहीं होगा और तब हम लोग कॉन्फिडेंस से नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए, कॉन्फिडेंट रहने के लिए कि नहीं भाई इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कर पाएंगे, इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। आप सोचेंगे कि 5 मिनट के वीडियो में हम सारे पंचवर्षीय योजना को डाल दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं कार्यकाल। सातवीं पंचवर्षीय योजना का हम लोग क्या देखते हैं कार्यकाल, तो 1985 से 90, 1985 से 90। अब आइए मॉडल, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं थी, किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं थी। अब आइए प्राथमिकता देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यही से क्वेश्चन रहता है प्राथमिकता। तो प्राथमिकता है इसका रोजी रोटी एवं उत्पादकता, रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल, रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल। अगर पूछे आप लोग से कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या है प्राथमिकता, अब आप लोग क्या बोलेंगे भाई, आप लोग का आंसर होगा रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल। क्लियर है। अब आइए विशेष, विशेष में देखिए फर्स्ट, पहला, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग नाम सुने हैं सेबी, सेबी का नाम सुने हैं। तो 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 सेबी की स्थापना, किसकी स्थापना, सेबी। अब सेबी क्या है ये सब हम लोग आगे करेंगे, अभी आप लोग फिलहाल सर्च करके देख लीजिए सेबी क्या है। क्लियर है। तो सेबी की स्थापना कब की गई, 12 अप्रैल 1988। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर, 1 सितंबर 1986 पोस्ट ऑफिस द्वारा, पोस्टल विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई, स्पीड पोस्ट सेवा शुरू, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई पोस्टल विभाग द्वारा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगला देखते हैं 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 क्या नाम है भाई, 1 जुलाई 1987 उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। क्लियर है। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है। आइए इसी दौरान एक टर्म यूज हुआ, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर, इस टर्म पर ध्यान दीजिएगा। इस टर्म को देने वाले का नाम क्या है, प्रतिपादक का नाम क्या है, प्रोफेसर राजकृष्णा, प्रोफेसर राजकृष्णा, क्या नाम है भाई, प्रोफेसर राजकृष्णा, इनका कॉन्सेप्ट है हिंदू वृद्धि दर। और 1950 से 80 के दौरान, याद रखिएगा 1950 से लेकर 1980 के दौरान जो विकास दर रहा,
वो रहा 3% से 4%। 1950 से जब से पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और 1980 तक जो विकास दर रहा वो रहा 3 से 4%। और इसी विकास दर को कहते हैं हिंदू वृद्धि दर। ये कौन दिए थे? प्रोफेसर राजकृष्णा। तो हिंदू विकास, हिंदू वृद्धि दर अगर पूछे ये भी कर पाएंगे। दो ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या है और कौन प्रतिपादक है। प्रतिपादक कौन है बताइए? प्रोफेसर राजकृष्णा। और क्या है हिंदू वृद्धि दर? तो 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था का जो विकास दर रहा वो 3% से 4%, और इसी को कहा गया हिंदू वृद्धि दर। तो चलिए मित्रों, आज हम 7वीं पंचवर्षीय योजना तक कराए आप लोगों को। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगा। और लास्ट पार्ट में हम लोग 5 और कर लेंगे तो पंचवर्षीय योजना वाला पार्ट समाप्त होगा। उसके बाद हम नीति आयोग कराएंगे, उसके बाद और सारा चीज देखते हैं हम लोग। इकोनॉमी का भी कुछ कुछ आप लोग को कराते जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत।